सत्रहवीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। सत्र से एक दिन पहले रविवार को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर तीन तलाक सहित कई अहम बिलों पर विपक्ष का सहयोग मांगा। आपको बता दें कि इस सत्र में पहले दो दिन नव निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। बुधवार को नए लोकसभा अध्यक्ष का चयन होगा। राष्ट्रपति बृहस्पतिवार को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री 5 जुलाई को आम बजट पेश करेंगी। आपको बता दें कि ये सत्र 26 जुलाई को समाप्त होगा, जिसमें 30 बैठकें होंगी। समग्र और आधुनिक तो एजेंडे में जो प्रमुख चीजें रहेंगी, तीन तलाक भी रहेगा और पूर्व संध्या पर जो है सर्वदलीय बैठक हुई, पीएम ने बैठक की अध्यक्षता की, विपक्ष का सहयोग भी मांगा गया। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि संसद का जो है सत्र आज से शुरू होगा, जिसमें बजट और तीन तलाक ये एजेंडे में प्रमुख रहेंगे। सत्रहवीं लोकसभा का आज पहला सत्र शुरू होगा। ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ अनिल मोर हमारे संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल मोर, आज से जो है सत्र शुरू हो जाएगा, क्या कुछ मेन मुद्दे रहेंगे? देखिए, बिल्कुल, सत्रहवीं लोकसभा का जो पहला सत्र है वो आज से शुरू होगा। नई सरकार जो नरेंद्र मोदी की बनी है उसका पहला सत्र रहेगा, बजट सत्र रहेगा। 17 जून से 26 जुलाई तक ये पूरा का पूरा सत्र चलेगा। जो महत्वपूर्ण रहना, जो आज और कल का दिन है, ये जो दो पहले दिन, इन दो दिनों में जितने भी नवनिर्वाचित सांसद है सभी सांसदों को यहाँ पर शपथ दिलाई जाएगी। जो प्रोटेम स्पीकर है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार कश्यप, वो सभी नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे। फिर 19 तारीख को जो लोकसभा स्पीकर कौन होगा वो चुना जाएगा। जो बजट है, बजट आने की संभावना 5 तारीख बताई जा रही है। 5 जून को यहाँ पर बजट पेश किया जा सकता है। कहीं ना कहीं ये जो सत्र है, पहला सत्र है, काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, जहाँ पर सत्ता पक्ष की कोशिश रहेगी कि तीन तलाक समेत जितने भी पुराने विधेयक रहे हैं जो अभी तक पास नहीं हो पाए, उनको नए सिरे से संसद के पटल पर रखा जाएगा, उनको पास करवाने की कोशिश की जाएगी। वहीं विपक्ष, हालांकि विपक्ष को पता है कि वो एक बड़ी हार के यहाँ पर आया है, लेकिन उसके बाद विपक्ष की कोशिश रहेगी कि सत्ता पक्ष को घेरा जाए, चाहे किसानों का संकट हो, बेरोजगारी हो, सूखा हो, इन कई विषयों पर कहीं ना कहीं विपक्ष की मांग रहेगी कि इन पर चर्चा की जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक अच्छा बजट सत्र रहने वाला है। हालांकि जो कल सर्वदलीय बैठक बुलाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसमें प्रधानमंत्री की तरफ से यही आह्वान किया गया था कि सबको साथ लेकर चला जाएगा, सबका विकास, सबका विश्वास, इस लक्ष्य से सरकार आगे बढ़ेगी। अब देखना ही होगा कि जो सत्र है कितना हंगामेदार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल मोर तमाम जानकारी के लिए। तो देखना होगा सत्र कितना हंगामेदार रहता है। पहले दो दिन लोकसभा के सभी सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। 19 जून को जो है लोकसभा के अध्यक्ष कौन होंगे उनका चुनाव होगा और कार्यवाहक लोकसभा अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार शपथ दिलाएंगे। संयुक्त सत्र की बैठक में अभिभाषण होगा। और साथ ही आपको ये भी बता दें, सत्रहवीं लोकसभा का आज पहला सत्र शुरू हो जाएगा। 17 जून से लेकर 26 जुलाई तक ये सत्र चलेगा। सबसे ज्यादा अहम एजेंडे जो रहेंगे उनमें एक तो बजट रहेगा, दूसरा तीन तलाक होगा, 4 जुलाई को आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा, 5 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। उसके अलावा अगर बात की जाए तीन तलाक विधेयक पर भी इस सत्र में चर्चा होगी। 19 जून को सभी दलों की फिर बैठक होगी और इस सत्र के दौरान 30 से ज्यादा बैठकें होंगी।